ओम प्रकाश सिंह के दिन दहाड़े हत्या के बाद सामाजिक बहिष्कार क्षत्रिय बिरादरी ने शुरू कर दी। घटना के 10 दिन बाद कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद केशरगंज ब्रिजभूषण सरन सिंह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां पर नाबालिग बेटियों से मिले और आर्थिक सहायता देते हुए कहा कि जब नास मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्ति कवि रामधारी सिंह दिनकर की है, जो ओम प्रकाश सिंह की स्थानीय राजनीति में हुई हत्या पर सटीक बैठती है। सभासद की लड़ाई में मूछों के लिए विजय सभासद ललन सिंह ने दिन दहाड़े ओम प्रकाश की क्रूरता से हत्या कर दी, जिससे समूचा समाज नाराज है। इतना ही, पसका विकास मंच के अरुण कुमार सिंह की अगुवाई में हत्यारोपी के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए बाप व बेटे को गोली मारकर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। घटना के 10 दिन बाद मृतक सपा समर्थक ओम प्रकाश सिंह के घर पर शोक संवेदना जताई। एक पंक्ति में सांसद श्री सिंह व सब कुछ कह गए तो हत्यारोपियों का अंजाम होगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, उनके साथ हर दुख की घड़ी में साथ रहने का आश्वासन दिया। क्योंकि बहुत बुलडोजर चलाया, देखिए आज हम संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे और निशंस हत्या है और इसकी निंदा हम ही नहीं करते। इस दरवाजे पर हर पार्टी के लोग आए हैं, समाजवादी पार्टी का भी पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था, बीजेपी से भी जुड़े लोग आए हैं, पूरा गांव और पूरा ये क्षेत्र की संवेदना इस परिवार के साथ है। क्योंकि जिस प्रकार से घटना घटी है, कम से कम इस गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ है और इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तारी हो चुकी है, कानूनी प्रक्रिया आप सब लोग जानते हैं होती है, उसी प्रक्रिया के तहत जो है कार्रवाई कर रही है। और जहां तक योगी सरकार का आपने प्रश्न किया, तो योगी सरकार अपराधियों के साथ नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, बाकी कार्रवाई हो रही है। नेताजी, परसपुर, इस पूरे कांड में परसपुर एसओ 3 दिन तक खाली हाथ थे। गोंडा पुलिस द्वारा ना तो एसओ को हटाया जाता है, ना ही कोई कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद आनंद फानंद में एक आरोपी को गिरफ्तार। मुठभेड़ ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, देखिए ऐसे अपराध में एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, उसमें जिले के कप्तान के नेतृत्व में या कप्तान किसी उच्च अधिकारी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी देते हैं उसको मिलकर के पूरे जिले की पुलिस वर्क करती है। तो ये कहना कि परसपुर एसओ निष्क्रिय थे, गोंडा की पुलिस सक्रिय थी, तो मैं ये नहीं मानता। मैं पुलिस की गतिविधि से परिचित हूँ, ये कप्तान साहब के नेतृत्व में एक जो है मिशन के रूप में इस घटना को लिया गया था और उसको पुलिस ने पूरा किया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोपी हैं उनको सह दे रखी, उन्हीं के उसमें सारा ये कांड हुआ, स्थानीय विधायक पर भी आरोप लग गए। देखिए ऐसा है, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे सांसद हो, या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या राजनीतिक नेता हो, कोई इस घटना का समर्थन नहीं कर सकता। और मैं तो कहता हूँ आरोप लगाने के लिए तो आप किसी पर लगा दीजिए, क्योंकि प्रधान जी के सह पर हुआ है, आप आरोप लगा दीजिए प्रमुख जी के सह पर हुआ है, लेकिन ऐसे घटनाक्रम किसी के सलाह पर नहीं होते। ठीक, सांसद जी, परिवार की मांग है बुलडोजर चलाया जाए, आर्थिक सरकारी नौकरी की मांग है, परिवार कर रहे हैं, उनके पास वो कोई क्या बात करेंगे? सरकार सहयोग सरकार से मिलना चाहिए, क्योंकि इस परिवार का कोई पुरसाहाल नहीं है और बच्चे हैं छोटे छोटे और बड़े निरीह हैं। सरकार से जरूर हम मांग करेंगे कि इस परिवार को जो है मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि सहायता मिले। रहा बुलडोजर की बात, तो बुलडोजर अगर ग्राम समाज पर बना हो गिर सकता है, चक्रोड पर बना हो तो गिर सकता है, और बाकी गिराने की एक प्रक्रिया है। प्रशासन के भी मांगे कि यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस से सीबीआई जांच कराई जाए, कई दिनों से बच्चे उनकी मांग कर रहे हैं, क्या इसको लगा कोई? उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, वो समझते हैं कि जानकारी नहीं। देखिए
जब आनन फानन में एक हफ्ते के अंदर सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई और केस चल रहा है, केस चलेगा, अब इसमें सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई तो पर्दाफाश करने के लिए ना, तो पर्दाफाश तो है नहीं। एक व्यक्ति ने खुलेआम दोपहर में आकर के मारा, सब लोगों ने देखा, तो इसमें किस चीज़ की जांच करनी है? मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है और प्रत्यक्षदर्शी है, इसमें सीबीआई जांच का कुछ औचित्य नहीं। तो जब सब साफ है, अब ये हम जब सब साफ है तो बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा ये आप आश्वासन दे दीजिए। जब सब साफ है तो बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा ये आश्वासन दे दीजिए। संसद जी संतुष्ट ये केशव जी के बयान से नहीं, ये सत्य है कि सरकार से संगठन, ये सत्य है। मैं किसी के बयान का समर्थन नहीं करता हूँ, करेक्ट नहीं, इसको इस मत जोड़िएगा, मैं किसी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संगठन हमेशा जो है सरकार से बड़ा। अच्छा सांसद जी, ममता बनर्जी कह रही हैं हमको तो पहले नजर आता है। अच्छा ममता